हेलो फ्रेंड्स, CMO स्पेशल क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। ये 3K नॉलेज क्लास है, 3K नॉलेज चैनल है। यहाँ पे आपको CMO स्पेशल के बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ मिल रहा है। अभी तक मैंने 13 वीडियो बना दिया है। 13 वीडियो में वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, और एग्ज़ाम का पैटर्न यही है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके जा रहे हो, एक दो बार रिवीजन करके जा रहे हो, तो आप मान के चलो कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है, ये आगे कोई क्वेश्चन है, तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, फिर से वही बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, ताकि सबको हेल्प मिले। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन देखते हैं। महानदी किस जिले से निकलती है? ए रायगढ़, बी सरगुजा, सी धमतरी, डी बिलासपुर। तो इसका आंसर है सी धमतरी। धमतरी के सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है, और महानदी 858 मीटर बहती है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 285 मीटर ही बहती है। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा वन्य प्राणी अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? ए बानवापारा, बी कांकेर घाटी, सी अचानक मार, डी बांधवगढ़। तो आप इसमें बताइए कौन सा अभयारण्य है जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। इसका आंसर है डी बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो अभयारण्य है वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। तो आप कमेंट कीजिए कि बांधवगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ए इंद्रावती, बी ईव, सी जोक नदी, डी शिवनाथ नदी। यहाँ पे ऑप्शन आप देखो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ऑप्शन में क्या गिवेन है ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका डी शिवनाथ नदी। महानदी सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे इम्पॉर्टेंट है, सेकंड पे शिवनाथ नदी है। महानदी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, तो हम शिवनाथ नदी को ही देखेंगे, और ये दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ए नारंगी, बी खारून, सी हसदो, डी अरपा। तो इसका आंसर भी बहुत इजी है, सी हसदो। हसदो नदी के किनारे स्थित है कोरबा शहर, और हसदेव नदी जो है इस पे बहुत ऊंचा बांध है, कम से कम 85 मीटर ऊंचा बांध है। उस बांध को मिनी माता बांध से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हसदो रिवर। और हसदेव रिवर निकलता कहाँ से? कैमूर पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है कौन सी नदी है जो जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलती है? ए ईब नदी, बी रिहंद नदी, सी कन्हार नदी, डी दूध नदी। तो इसका आंसर है ए ईब नदी। ईब नदी जो है जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलती है। रिहंद नदी तो सरगुजा से निकलती है। दूध नदी कांकेर से निकलती है, मलाजकुंडम पहाड़ी से। कन्हार नदी कहाँ से निकलती है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? ए इंद्रावती, बी जोक, सी शिवनाथ, ई डी ईब नदी। ये बहुत ज़्यादा आसान है। चित्रकूट बांध जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है, और चित्रकूट बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है, और इस पर जलप्रपात भी है। एक्चुअली ये जलप्रपात ही है, बांध नहीं है, बांध यहाँ गलत लिया है। चित्रकूट जो है जलप्रपात है, बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा जलप्रपात है। तो आप इस कितना चौड़ा है, इसका जो चौड़ाई का लंबाई है, या चौड़ाई सॉरी लंबाई बोल रही हूँ, वो कितना मीटर है आप कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? ए मुनगाबहार, बी डंकनी, सी इंद्रावती, डी संकनी। तो छत्तीसगढ़ का तीरथगढ़ जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का तीरथगढ़ जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, और ये मुनगाबहार में है। मुनगाबहार जो नदी है उसके ऊपर है ये तीरथगढ़ जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? ए हस्तो, बी इंद्रावती, सी रेंड, डी खारून।
इसका मैं ट्रिक अभी बताऊंगी कैसे याद करना है। रक्सगंडा जलप्रपात और रेंड, रेंड नदी पर है, सी इसका ऑप्शन है। तो आप जब भी रक्सगंडा जलप्रपात याद रखो तो रेंड, रेंड र र आ रहा है बार बार, तो याद रहेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? ए चित्रकूट, बी मंदरा, सी तीरथगढ़, डी तामर घूमर। तो इसका आंसर है डी तामर घूमर। तामर घूमर जलप्रपात जो है वो बस्तर में नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि किस ज़िले में है तामर घूमर जलप्रपात। बहुत इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? ए भीमा, बी मुंशी, सी शिवनाथ, डी वैनगंगा। इसका आंसर है सी शिवनाथ नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको चार प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है बघेलखंड पठार, दूसरा दंडकारण्य प्रदेश, तीसरा है जसपुर सामरी प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़ बेसिन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी दंडकारण्य प्रदेश। और चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है और ये कहाँ है ये आप बताएंगे, किस ज़िले में है चित्रकूट जलप्रपात। और जो ज़िला है वो दंडकारण्य प्रदेश में है, ठीक है, ज़िला का नाम आप कमेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी कन्हार मिट्टी, सी लाल पीली मिट्टी, डी मटासी मिट्टी। तो इसका आंसर है सी लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तो पाई जाती है और इस लाल पीली मिट्टी को ही मटासी मिट्टी कहते हैं। जब मैं याद करती थी तो लाल पीली मिट्टी को मैं कैसे याद करती थी, जो ज़्यादा मटमटाते हैं लोग वो लाल पीले लोग रहते हैं, लाल पीले कपड़ा जो रहता है वो ज़्यादा मटमटाता रहता है, चमकता रहता है। तो लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी है, ठीक है, और काली मिट्टी कन्हार मिट्टी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है कौन सी है? ए पैरी परियोजना, बी कोडार परियोजना, सी महानदी परियोजना, डी जोक परियोजना। इसका आंसर है सी महानदी परियोजना। महानदी परियोजना क्यों लिया गया यहाँ पे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी नदी की वजह से होता है, इसीलिए इसे इस परियोजना को सबसे ज़्यादा माना गया है। किस सिंचाई परियोजना को का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? केलो, बी गंगरेल, सी हसदेव बांगो, डी सिकासार परियोजना। इसको 2 मिनट पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। इसका आंसर है सी हसदेव बांगो परियोजना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हसदेव बांगो परियोजना कैमूर पर्वत से निकलता है और हमारे छत्तीसगढ़ में कोरबा ज़िला, जांजगीर चांपा ज़िला होते हुए महानदी में मिल जाता है आके, और इसी हसदेव बांगो नदी पे मिनी माता परियोजना है जो सबसे ऊंचा बांध है, मिनी माता बांध। ये सिक्कासार परियोजना अभी पीएससी जो दिए होंगे 2018 प्री, उनको पता होगा क्वेश्चन आया था सिक्कासार परियोजना किस नदी पर है। तो सिक्कासार परियोजना जो है वो पैड़ी नदी पे है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर पीएससी ने अभी अभी क्वेश्चन पूछा है तो मे भी रिपीट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी चावल, सी तिलहन, डी मक्का। तो इसका आंसर है बी चावल। ये बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि हम छत्तीसगढ़ी, हमें पता है कि छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहा जाता है, तो धान चावल से के लिए ही जाना जाता है, तो इसका आंसर बी चावल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर सबको पता है ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है, इसीलिए यहाँ चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन CGPSC जब पिछले साल पॉलिटेक्निक के और इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लिया था तब ये क्वेश्चन पूछा था। सेम उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के नाश का कारण नहीं है?
ए नगरीयकरण, बी सिंचाई की सुविधा, सी सड़कों का विस्तार, डी औद्योगिकीकरण। तो इसका आंसर है बी सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा से छत्तीसगढ़ की कृषि भूमि का कोई नाश नहीं होता, लेकिन बाकी तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है वो उससे छत्तीसगढ़ की कृषि भूमि का बहुत नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टीन के खदानें हैं? ए सरगुजा, बी दंतेवाड़ा, सी बिलासपुर, डी धमतरी। ऑप्शन को आप ध्यान से देखो, टीन सबसे ज़्यादा सुकमा में मिलता है, सुकमा के लिए ही टीन फेमस है, लेकिन सुकमा यहाँ ऑप्शन गिवन नहीं है। चार ऑप्शन गिवन है, चार में से कहीं एक जगह छोटे मात्रा में पाया जाता है टीन, तो हमें वो ऑप्शन याद रखना है। बी दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा और सुकमा दोनों जगह टीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टीन जो कहीं पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के दो जिलों में, एक सुकमा और दूसरा दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र खुली जेल मसगांव निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? ए धमतरी, बी सरगुजा, सी जगदलपुर, डी रायगढ़। तो इसका आंसर है सी जगदलपुर। जगदलपुर में एकमात्र खुली जेल मसगांव है। तो अभी के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन दूंगी। अब मैं क्वेश्चन बहुत फास्ट दूंगी और बहुत ज़्यादा दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, सिर्फ 10 दिन बचिया है। आप पढ़ाई अच्छे से करो, और मैंने अभी तक जितने MCQ क्वेश्चन दिए हैं, मुझे 100% लगता है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है तो वहाँ से आएगा। और आप तब ये यकीन करना कि क्वेश्चन वाकई में मेरे दिए हुए सही है, जब ये क्वेश्चन आपके एक पेपर में आए, जब आप पेपर दो और आपको लगे कि सही में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तब मेरी बातों पे यकीन करना। अभी यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि अगर आपके पास वक्त है तो सभी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लो, फिर से पढ़ लो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।